ये बालवीर जी है बॉस, ये तो कोई इडली डोसा है। इडली डोसा किसको बोला? तुमको बताऊं कौन? हमारा नाम बालप्पा विराम शक्ति विराम परे लोकम चन्न स्वामी मुक्त स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ऐसा नहीं चलेगा जेब, तुम हमसे उलझेगा तो हम तेरे को धुलेगा। सॉरी 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 बस, मैं डर गया, अब आप जाओ। हाँ ओके जी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं मांगता। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बालवीर जी यहाँ थे। बालवीर कभी नहीं आएगा बच्चों, बालवीर मर चुका है। ये चाहते हुए भी कहीं थी आप, कितना डर। अरे गई कहाँ मुझे छोड़ के अकेला, निकले ये भी निकम्मी। महाविनाशिनी फिर खाली हाथ लौट आई? तुम आकाश पाताल एक कर दोगी ना, तब भी तुम्हें रानी परी नहीं मिलेगी। और जब वक्त आएगा रानी परी खुद यहाँ आकर तुम्हें समाप्त करेगी। अगर मैं रानी परी को नहीं ला सकी तो क्या हुआ? तुम सब मेरी दासियां हो, तुम सब मेरी सेवा करोगे। डरी परी, तुम हमारे लिए फल लाओगी। विजधार परी हमारे लिए शीतल जल लाएगी। हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। जीवित रहना चाहती हो तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। डरी परी, क्यों? मजा आया? क्यों विजधार परी, अब भी हमारी सेवा नहीं करोगी? एक और नमूना दिखाते हैं। रुक जाओ महाविनाशिनी, परियों को इस तरह से चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करूं, तो इन सब परियों से कहो कि हमारी सेवा करें। परियों, महाविनाशिनी जैसे कह रही है वैसा ही करिए। बाल परी लेकिन? हाँ परियो, जब तक रानी परी का मुकाबला करने यहाँ वापस नहीं आ जाती तब तक हमें इसकी बातें माननी होगी। ये जैसा कह रही है हमें वैसा ही करना होगा। महाविनाशिनी, रहा था सोच में कि हो जाती मेरी भी थोड़ी सेवा तो। तुम चुपचाप कुंड के ऊपर नजर रखो, कुछ भी होता है तो मुझे बताना। हाँ, अब पूछ आता मैं। चले परियों। के लिए हमें ऐसा लगा जैसे से बालवीर लौट आए हैं। काल परी, आज तक जिस किसी को भी न्याय के पत्थर पर सजा मिली है वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज बालवीर हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पर कितनी सारी पेंटिंग्स हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर हम सब भी पेंटिंग कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो जाए। हो ही जाएंगे क्योंकि हम सब ने मेहनत की है। चलो अब हम अपने पेंटिंग्स रख देते हैं ताकि सर चेक कर पाए। हाँ? हाँ। हाँ। आपका नाम आपकी ड्रेस बिल्कुल परियों जैसी है। रानी परी, ये बच्चे हमें देख कैसे सकते हैं? काल परी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी परी, अब रानी परी है? हाँ? वो परी लोग वाली रानी परी। वाओ! मैं? हाँ, तुम किससे बातें कर रही हो? रानी परी से। रानी परी, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? देखो तुम्हारे सामने खड़ी है रानी परी। हाँ। लगता है ये दोनों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। चलो। अरे रुको, अरे सुनो तो सही। अरे सच में देखो। रानी परी, ये कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ मानव और मेहर को दिखाई दे रहे हैं और बाकी बच्चों को नहीं? हम भी यही सोच रहे हैं। हर बुरी परी की तरह है ये भी बड़पोली, बना दिया मुझे पहरेदार। अब करो पहरेदारी। क्यों विषधार परी, लाना पड़ा हमारे लिए शीतल जल। मेहर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से हम दोनों उस लाल बिजली के डब्बे से टकराए हैं तब से हमारे साथ सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। लाल बिजली का डिब्बा, इसका मतलब हमारी सारी शक्तियां मानव और मेहर के पास है और शायद इसीलिए वो हमें देख पा रहे हैं। हाँ। रानी परी, आप सच में हमारे सामने खड़ी है ना? हाँ बच्चों, मेहर, मानव, हम ही परीलोक की रानी परी हैं और ये है गाल परी। आप सच में? वाह! तो फिर आप सिर्फ हमें ही क्यों दिखाई दे रहे हो? आप उन बच्चों को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? हाँ, क्योंकि हमारी शक्तियां आप दोनों के पास है। क्या? हाँ बच्चों, जिस लाल बिजली के डिब्बे को आप दोनों ने छुआ था उसमें हमारी शक्तियां थी और अब वो शक्तियां आप दोनों के पास है। रानी परी, आपकी शक्ति हमारे पास, लेकिन आप यहाँ कर क्या रही हैं? बच्चों, दरअसल एक बुरी शक्ति का मुकाबला करते करते हमें पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। हुँ? और मजबूरन हमें हमारी सारी शक्तियां उस लाल डिब्बे में छिपानी पड़ी और अब वो बुरी शक्ति हमारी तलाश कर रही है और हमारे पास हमारी शक्तियां नहीं है। तो फिर रानी परी, आप अपनी शक्तियां वापस ले लीजिए। हाँ रानी परी। ठीक है बच्चों। अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? हम अपनी शक्तियां वापस नहीं ले पा रहे। मानव, आप अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। आखिर ये हो क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम अपनी शक्तियों को वापस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ परी तारा के माध्यम से ही अपनी शक्तियों को वापस पा सकेंगे। लेकिन रानी परी, बिना शक्तियों के हम महाविनाशिनी का मुकाबला कैसे करेंगे? और अगर ऐसे में हम उनकी पकड़ में आ जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ गालपरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? मेहर, कोई बुरी परी रानी परी के पीछे पड़ी हुई है और रानी परी के पास उनकी शक्तियां भी नहीं है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? हाँ। रानी परी, उस बुरी परी से बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? मेहर, हम कुछ समझे नहीं। आइडिया उपाय है। हाँ, उपाय? तो जल्दी बताइए मेहर। हाँ, ये आपने क्या किया? रानी परी, अब आप आम इंसानों जैसी लग रही है। अब वो बुरी परी आपको पहचान नहीं पाएगी। मनोमय, न्यू टीचर है क्या? गुड मॉर्निंग टीचर। परी, लगता है हमारा रूप बदलने से ये बच्चे हमें देख सकते हैं। हाँ रानी परी। है दिखाना चाहता है तो रानी परी का पता फिर से। बताऊंगा ये बात मैं महाविनाशिनी को, तो भेज देंगे मुझे ही मौत के खाई में। करवा रही कुत्तों परियों से काम और लगा दिया मुझे काम में। तौबा तौबा। जी महाविनाशिनी जी, हमारे लिए कोई चेतावनी आ रही है? अरे नहीं, आइए नहीं, अभी तक कोई चेतावनी मिलेगा। जैसे ही मुझे कोई संकेत तो दूंगा मैं बता आपको। रहिए आप बेफिकर। ध्यान से देखो। तौबा तौबा। ठीक से ध्यान दो। और क्या कर रहा हूँ मैं इधर? तो रानी परी, अब जब तक आप इस कॉस्ट्यूम में, सब बच्चे आपको टीचर ही समझेंगे। हाँ, बस आपका नाम रखना बाकी है। मिस पूजा? नहीं। मिस मैरी? नहीं। तो ऑलरेडी है। हाँ। आप दोनों यहीं छुप के रहिएगा। हाँ। बच्चों, हम आप दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए बच्चों, आज तो आपने इन शक्तियों का प्रयोग कर लिया, लेकिन आगे से आप इन शक्तियों का प्रयोग मत कीजिएगा। रानी परी, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं बच्चों, आप दोनों से कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल अगर आपने शक्तियों का प्रयोग किया तो उस बुरी शक्ति को ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, और फिर वो हम पर वार कर सकती। सॉरी रानी परी, अब हम आपकी शक्तियों को यूज नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन रानी परी, हम कब से बालवीर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बालवीर आ ही नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले जब बालवीर से वो भूल हो गई थी, आपने उसे सजा तो नहीं दी थी ना? नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात क्या है कि बालवीर किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, इसीलिए वो मदद करने नहीं आ सकते। डोंट वरी रानी परी, आज तक आपने हमें प्रोटेक्ट किया है, अब हमारी बारी है। अच्छा रानी परी, अभी थोड़ी देर में हमारी स्कूल छूटने वाली है, तो आप हमारा यही इंतजार करना। हाँ, हम यूं गए और यूं आए, फिर आते ही हम आपको अपने घर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो बच्चों। बाय बाय बाय। चल मानो, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेहर, अगर रानी परी ने हमें अपना जादू यूज करने से मना नहीं किया होता तो मैं इस मोंटू को मजा चखा देता। तो क्या करें? क्यों? आखिर वो फंस गए ना। मोंटू बॉस, ये देखो, इन पिद्दियों के बॉस ये भी फंस गए हमारे जंगल में। वाह रोहित वाह, इन पिद्दियों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जो भी हुआ है ना, इन दोनों के वजह से ही हुआ है। मैं आज तुम दोनों का खर्चा बना दूंगा। हाँ। देख मोंटू, तूने कुछ भी किया ना तो मैं। तो तू मुझे पीट देगी? नहीं, लेकिन तुमने ये सोचा कि मोंटू तुम्हें नहीं पीटेगा। मोंटू तुम्हारा मजाक बनाएगा ताकि तुम जिंदगी भर इसे याद रखो। देख मोंटू, मानो मैं तुम्हारे बाल काटूंगा। मोंटू नहीं, मोंटू खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। हनुमानगढ़ राजस्थान के यश शर्मा, जतानी ओडिशा के कान्हा अग्रवाल, पटना बिहार के आयुष शर्मा, पुणे महाराष्ट्र के रुत्वेज वालेकर, पठानकोट पंजाब के कृष्णा पुरी, गोरखपुर यूपी के जमाल अहमद खान और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के योगेश अग्रवाल ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा बुजुर्गों का आदर करते हैं और साथ ही साथ अपने माता पिता को घर के छोटे बड़े कामों में भी मदद करते हैं और हमेशा उनकी बात मानते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है। मैं भी बालवीर बहन। दोस्तों, समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर की अनिका मिश्रा ने। दोस्तों, अनिका ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो जरूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता के अनुसार चीजें बांटती है, जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़े और किताबें। और साथ ही साथ अनिका को हमेशा पशु पक्षियों को खाना खिलाना और पेड़ पौधों की रक्षा करना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अनिका, आपकी इतनी अच्छी सोच और इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है। मैं भी बालवीर बहन। तो दोस्तों, अगर अनिका की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए sabtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।